द एग्रीकल्चर चाय वाला की कहानी एक मतलब कि हम दो फ्रेंड्स की कहानी है। मतलब हमने दो फ्रेंड्स, हम लगभग 5 साल से साथ में हैं, तो दोनों के दिमाग में एक आइडिया आया कि कुछ बड़ा करते हैं। नौकरी मतलब ना उसको करनी थी ना मुझको करनी थी, तो हमने सोचा कि चाय स्टार्ट करते हैं। चाय तो मेरे को नहीं आती थी, चाय मतलब नॉर्मल जो घर पे बनाते थे ना वैसी ही चाय आती थी। बट कमलेश को देखते देखते मैंने उससे पूछा था कि भाई क्या करूँ, पहले दूध उबालू कि एक साथ सारा डाल दूँ। उसने बताया, उसके बाद चाय मतलब रेगुलरली 2-3 बार में बनाता था। चाय में तो मतलब कम से स्टार्ट हो जाती है, बजट तो हमारे पास था नहीं। आती है पैसे की बात, तो घर से पैसे कैसे लिए थे वो हमें ही पता है। मैंने मेरी फीस के पैसे लिए थे, जो मेरी कॉलेज की फीस है 25,000 रुपये, वही घर से भैया से मंगवाए थे मैंने। क्योंकि तू अर्न बता, तेरी कितना कमा रहा है तू? हर कोई सिर्फ इतना पूछेगा कि कितना कमा रहा है। हमारे बारे में जानना हो तो हमारे कमरे की दीवारों से पूछिए जनाब। हमारे बारे में जानना हो तो हमारे कमरे की दीवारों से पूछिए जनाब। लोगों ने तो हमें हंसते हुए देखा है, रोते हुए तो उन दीवारों ने ही देखा है। एग्रीकल्चर चाय वाले भैया का एड्रेस ये विजयनगर से आप आएंगे बाबट वाले स्क्वायर के जस्ट पहले, ये पीछे आप देख सकते हैं मैरियट होटल है। मैरियट होटल के ठीक बगल में आपको ये इनका काउंटर दिख जाएगा एग्रीकल्चर चाय वाला का। और मैं धन्यवाद तो सबसे पहले अमची इंदौर को करना चाहता हूँ, जो भैया ने मतलब हमको देखा और हमारा जो वीडियो बना रहे हैं। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और सुबह की शुरुआत हम सभी के घरों में होती है चाय से। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आमची इंदौर चैनल में। और दोस्तों आज चाय की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज का जो वीडियो है वो दो फ्रेंड्स है, दो दोस्तों की कहानी है, जिन्होंने अभी 6 महीने पहले अपना एक स्टॉल स्टार्ट किया है चाय का, जिसका नाम द एग्रीकल्चर टी के नाम से इन्होंने एक सेटअप स्टार्ट किया है। और दोनों फ्रेंड्स प्रीकैप में आपने देखा ही होगा कि दोनों फ्रेंड्स कितनी मेहनत से इस काम को कर रहे हैं। तो इस रिक्वेस्ट है मेरी कि इस पूरे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम सभी को कुछ ना कुछ शायद इनसे सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो इनकी उम्र छोटी है लेकिन इनकी सोच काफ़ी बड़ी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं द एग्रीकल्चर टी के पास। मेरा नाम है अजय पाटिल और मैं खंडवा का रहने वाला हूँ, गांव भवानिया। मैं बीएससी एग्रीकल्चर, 4th ईयर मेरा रनिंग चल रहा है। इसके साथ साथ मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने और मेरे दोस्त ने, दी एग्रीकल्चर चाय वाला। हमने ये जब चालू किया था तब हम सोच रहे थे चालू करने का, मतलब 1 ईयर से प्लानिंग चल रहा था, बट ऐसा कन्फर्म नहीं था कि करना ही है। फिर इंदौर आए, हमारा मतलब 3rd ईयर ख़त्म हुआ। 3rd ईयर ख़त्म होने के बाद हम दोनों लोग इंदौर आए। इंदौर में हम पहले सोच रहे थे कि थोड़ा सा पैसा आ जाए तो हमारा थोड़ा सा जो भी है घर से पैसे लेना नहीं पड़ेगा। बट जब जॉब के लिए गए, टीपी में गए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। उसके बाद हो गया था बट नाइट शिफ्ट मिला था, जाने आने का कोई साधन नहीं था। तो देखने के बाद हम इस चौपाटी पर घूमे तो हमें पता चला कि नहीं, अब कर ही लेना चाहिए। तो स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने पीछे स्टार्ट किया था छोटा सा। अब आती है पैसे की बात, तो घर से पैसे कैसे लिए थे वो हमें ही पता है। मैंने मेरी फ़ीस के पैसे लिए थे, जो मेरी कॉलेज की फ़ीस है 25,000 रुपये, वही घर से भैया से मंगवाए थे मैंने। उसके बाद स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के लिए किसी को नहीं बताया था हमने, मैंने मेरे दोस्तों को नहीं बताया था, किसी को भी नहीं, बस हम दोनों को बताया था और बाकी इंदौर के जो नए नए फ्रेंड्स बने थे उनको बताया था, बस बुलाने के लिए कि हाँ भाई हम कुछ छोटा सा चालू कर रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए आ जाना। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश चौधरी है और मैं द एग्रीकल्चर चाय वाला हूँ। और द एग्रीकल्चर चाय वाला की कहानी एक मतलब कि हम दो फ्रेंड्स की कहानी है। मतलब हमने दो फ्रेंड्स, हम लगभग 5 साल से साथ में हैं, तो दोनों के दिमाग में एक आइडिया आया कि कुछ बड़ा करते हैं। नौकरी मतलब ना उसको करनी थी ना मुझको करनी थी, तो हमने सोचा कि चाय स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपको सबको पता होगा चाय में तो मतलब कम से स्टार्ट हो जाती है, बजट तो हमारे पास था नहीं क्योंकि मिडिल क्लास से है तो घर से पैसे तो कोई ले नहीं सकते, इसलिए छोटे से स्टार्ट किया। और हमने सोचा था कि सबसे पहले छोटी मोटी नौकरी करके और पार्ट टाइम में मतलब कि स्टार्ट करें अपन, पार्ट टाइम में ऐसा चाय बेचे। पर एक जगह गया, जैसे आपने इंदौर में सुना होगा अतुल्य आईटी पार्क, तो वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने जॉब के लिए ट्राई किया और वहाँ पे
मेरे इंटरव्यू में एक मैडम ने मेरे सामने पानी की बोतल रख दी कि इसे बेच के बताओ। तो मैंने बताया उनको कि ऐसी ऐसी बात है और अच्छी है ये हो, मतलब मैंने बताया मेरे हिसाब से। तो मैडम ने बोल दिया कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं होगा, आपसे कोई सेलिंग नहीं होगी। तो हमने सोचा कि ठीक है, तो हम जैसे मतलब अभी आपने सोचा होगा कि मतलब वायरल हो रहे हैं ये चाय वाला है, मतलब नाम नहीं लूंगा पर बहुत से चाय वाले वायरल हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि उनके जैसा ट्राई करें, पर लास्ट में हमें ये पता चला कि हम उनके जैसे नहीं है क्योंकि हम खुद में अलग है। अब उस टाइम चालू किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। पहले दिन तो कुछ हुआ नहीं है, ये बस चलेगा नहीं चलेगा यही सोचते रहते थे कि कैसा होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेगी, दोस्त लोग क्या बोलेंगे। उसके सब 15-20 दिन तो यही चलता रहा। जब एक महीना रनिंग हो गया, प्रॉब्लम देख ली कि हाँ नहीं कुछ हो रहा है, चल रहा है, चाय का रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि ठीक है यार बढ़िया चाय है, करो बहुत अच्छा कर रहे हो, सभी कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद चालू किया और धीरे धीरे रनिंग में चलता रहा। और जो भैया ने बताया था उधर मैं चाय का मतलब चौराहे पे लगाने के लिए उन्होंने बताया, तो वहाँ से हमको जो ग्रोथ मिली है ना वो कहीं से नहीं मिली है, वही मिला है बस। उस ग्रोथ के बाद हम इधर आए, इधर शिफ्ट हुए, इधर के बाद यहाँ पे भी अच्छा रिस्पांस चल रहा है, बाकी तो आप अभी देख ही रहे हो। एग्रीकल्चर नाम इसलिए चुना है कि एग्रीकल्चर हमारा चल रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, तो इसलिए नाम के हिसाब से जैसे MBA चाय वाला का हमने भी नाम रख लिया था एग्रीकल्चर चाय वाला। इससे कोई वो नहीं है कि नाम तो नाम है, बाकी चाय से पता चल जाता है कि चाय कैसी है। अब इससे चाय के कारण ही आते, एग्रीकल्चर के नाम से तो नहीं आ रहे, चाय के लिए आ रहे हैं। बाकी चाय तो मेरे को नहीं आती थी चाय, मतलब नॉर्मल जो घर पे बनाते थे ना वैसी ही चाय आती थी। बट कमलेश को देखते देखते मैंने उससे पूछा था कि भाई क्या करूँ, पहले दूध उबालू कि एक साथ सारा डाल दूँ। उसने बताया उसके बाद चाय मतलब रेगुलरली 2-3 बार में बनाता था, बाकी तो वही बनाता था। उसके बाद अभी भी शिफ्ट कर लिए, सुबह से वो रहता है, शाम में भी बनाता हूँ चाय का। चाय का इसलिए सोचा क्योंकि मेरे घर पे पहले से ही चाय की एक दुकान है। हाँ, और जैसे संदीप महेश्वरी सर बोलते हैं ना कि मिलेगा भाई, इतना मिलेगा कि सपने में भी नहीं सोच सकते हो, अपना 100% दो, तो बस अपने 100% की ओर उतर पड़े हैं हम, बस अपना 100% दे रहे हैं और हमें उसका प्रॉफिट भी मिल रहा है सब कुछ। मतलब क्योंकि हमारी जो द एग्रीकल्चर चाय वाला की फैमिली है वो भी बहुत बड़ी हो गई है। हाँ, तो वो बस लोगों का प्यार मिलते जा रहा है और उसी कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स तो क्या है, प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, पर हम तो सिर्फ एक सिद्धांत पे काम करते हैं। तो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, टेस्ट अच्छा है, चाय एक बार आके पिए और इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो नहीं, एग्रीकल्चर चाय द टेस्ट इज वेरी डिफरेंट नाउ। अपन इंस्टेंट बनाते रहते हैं जैसे आते हैं ग्राहकी के हिसाब से। हम तो सिर्फ एक सिद्धांत पे काम करते हैं जो कि है, अब आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे परफेक्ट इंसान कौन है, जो कि है भगवान श्री कृष्ण। तो हम उन्होंने बताया हुआ है कि कर्म कर बल्कि चिंता मत कर, तो हम बस वो कर रहे हैं, हमारा कर्म है वो कर रहे हैं, फल तो बाकी सब मिलेगा ही। और मैं थोड़ा लिखता भी हूँ तो उसके लिए मैं मतलब जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैंने थोड़ा बहुत लिखा है कि हकीकत से रूबरू कराने वाले बहुत मिलेंगे, हकीकत से रूबरू कराने वाले बहुत मिलेंगे, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने वाले बहुत मिलेंगे। माना अभी दिन खराब चल रहे हमारे, माना अभी दिन खराब चल रहे हमारे, पर जिस दिन कुछ बनेंगे तो हमसे जलने वाले बहुत मिलेंगे। हर 10-15 मिनट में चाय बनाते रहते हैं ना, बनती रहती है। मतलब रखने से कोई मतलब नहीं रहता है। सही बात है। और जैसे कि प्रॉब्लम्स तो आएगी, बहुत आएगी प्रॉब्लम्स, उससे नहीं मतलब आई हमारे सामने भी तो हम नहीं डरे हैं, अभी जो टिक खड़े हैं ना तो बस वही है। और एक बात तो मतलब ये बात तो सही है, लोग आपसे सिर्फ आएंगे और ये नहीं पूछेंगे भाई तू कितनी प्रॉब्लम है, वो सिर्फ इतना पूछेंगे भाई कि तू अर्न बता तेरी कितना कमा रहा है तू, हर कोई सिर्फ इतना पूछेगा कि कितना कमा रहा है। तो उनके लिए भी मैंने कुछ लिखा है कि हमारे बारे में जानना हो तो हमारे कमरे की दीवारों से पूछिए जनाब, हमारे बारे में जानना हो तो
तो हमारे कमरे की दीवारों से पूछिए जनाब, लोगों ने तो हमें हंसते हुए देखा है, रोते हुए तो उन दीवारों ने ही देखा है। क्योंकि प्रॉब्लम्स आती है। अब सबसे पहली बात तो मैंने घर नहीं बताया हुआ है कि ये सब कुछ काम कर रहे हैं, और ये तो बखूबी आप भी जानते होंगे कि मतलब घर वाले मना बोलेंगे तो वो नहीं देंगे। ये मतलब मिडिल क्लास फैमिली है तो इसलिए आपको बहुत झूठ बोलना पड़ेगा, सबसे झूठ अनलिमिटेड बहुत झूठ बोलना पड़ेगा। तो वो होता है कि कुछ अच्छा करने के लिए झूठ बोलो भी तो वो झूठ मायने नहीं रखता है, तो इसलिए बस निकल पड़े हैं। और कहाँ तक पहुँचे गए ये तो द एग्रीकल्चर चाय वाला फैमिली का परिवार ही बताएगा। और मैं धन्यवाद तो सबसे पहले आमची इंदौर को करना चाहता हूँ, जो भैया ने मतलब हमको देखा और हमारा जो वीडियो बना रहे हैं। तो साथियों, ये है एग्रीकल्चर चाय वालों की बढ़िया सी चाय। बेकरी के बिस्किट बड़े यूनिक होते हैं, मतलब अलग ही टेस्ट आता है। वो है 10 रुपए में, आप कब देख के ही मजा आ जाएगा आपको, अलग ही चाय। और ये साथियों बेसिकली दोनों दोस्तों की मेहनत है। ये अजय भाई, कमलेश भाई, इनने जो प्रयास करा और मतलब शुरू के 2-3 महीने इन्हें यही सोचा कि मतलब कैसे करेंगे, लोगों के रिव्यूज पता चलते हैं, घर का सपोर्ट नहीं मिलता उतना, पर जो इन सब चीज़ों से निकल जाता है सक्सेस उसी के हाथ लगती है। मतलब सक्सेस की पहली सीढ़ी, उसके बाद ही लोग चढ़ते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रयास है, आप लोग भी आइएगा, ये इनकी चाय को सपोर्ट करिएगा और दोनों भाइयों को सपोर्ट करिएगा। मैरियट होटल के ठीक सामने लगाते हैं, इसकी एड्रेस और जीपीएस लोकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ आएँ, विजिट करें और बढ़िया से सपोर्ट करें एग्रीकल्चर चाय वालों को। तो साथियों मिलते हैं आमची इंदौर के अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल कंटेंट बताते रहिएगा ताकि बाकी सभी लोग इंस्पायर हो सकें। तो ध्यान रखिएगा एक दूसरे का, टेक केयर एंड बाय बाय।